हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास है आज हमारी 3। सब्जेक्ट है हमारा इस्लामियात एंड लेक्चर है हमारा आज 1। सबसे पहले हमारा है सूरह फातिहा। ओके क्लास, सूरह फातिहा बेसिकली आपको पता है हम हर नमाज में, हर सूरत में, हर पहली कुरान मजीद की पहली सूरत है हमारी सूरह फातिहा। सही है, तो आज हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा के बारे में। सही क्लास, तो सबसे पहले आपको बनाना है सूरह फातिहा का टाइटल पेज। पहले तो फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज एंड देन सूरह फातिहा का टाइटल पेज बनेगा। सो हम चैप्टर को पहले रीड आउट कर लेते हैं एंड देन फिर इसका वर्क करेंगे इंशाल्लाह। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है, ये आपको पता है। सूरह फातिहा हमारी कुरान मजीद की पहली सूरत है, और ये कौन सी सूरत है? मक्की सूरत है। ये मक्की सूरत है। इस सूरत की 7 आयात हैं। इस सूरत की आपको पता है 7 आयात हैं। इस सूरत को पूरे कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। इस सूरत को, सूरह फातिहा को कुरान मजीद का पूरा खुलासा कहा जाता है। इस सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की तरह तमाम जहानों का रब होने के बारे में बताया गया है। इस सूरत में हम अल्लाह ताला से सीधे रास्ते पर चलने और बुरे रास्ते से बचने की दुआ करते हैं, जिसमें हम सीधे अल्लाह ताला से सीधे रास्ते में चलने की और बुरे रास्ते से बचने की, मतलब हर सीधा काम, मतलब जो अच्छा काम होता है हम उस पर चलने की अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और हम अल्लाह ताला से बोलते हैं जो बुरे काम हो हमें उससे बचाएं। सही, तो फिर उसके बाद है इस सूरत की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसको हम हर नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं। आपको पता है सूरह फातिहा हम हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। सही क्लास, ये आपको सिर्फ इसकी बेसिकली हमारा सूरह फातिहा है क्या? सूरह फातिहा आपको पता है इसकी बेसिकली हमारा सूरह फातिहा है क्या? सूरह फातिहा आपको पता है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है, ये मक्की सूरत है, और ये सूरत 7 इस सूरत की 7 आयात हैं। इसी सूरत की 7 आयात हैं। इस सूरत को पूरे कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है, और हम पूरे जहां का रब होने के बारे में भी इस सूरत में बताया गया है अल्लाह ताला का, और इसमें हम हर अच्छे, हर सीधे रास्ते पर चलने और बुरे रास्ते से बचने की दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से, और हमें हर रकात में ये सूरह फातिहा पढ़ते भी हैं। अब आइए इसका थोड़ा तर्जुमा पढ़ लेते हैं हम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। बेशक अल्लाह ताला, शुरू हम हर काम अल्लाह ताला से, शुरू अल्लाह के नाम से हम हर काम शुरू करते हैं। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बेहद मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है, रोज जहजा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया है, उन लोगों का नहीं जिन पर गजब किया गया, और ना ही गुमराह होऊंगा। सही क्लास, इसके बारे में अब मैंने बता दिया। सूरह फातिहा बेसिकली ये क्या, अल्लाह ताला की तारीफ बयां की गई है इसमें, और अल्लाह ताला से हम इबादत करते हैं कि हम हर वो काम, अच्छे और बुरे काम, हर अच्छे काम हमें करवा और बुरे काम से बचा। तो बेसिकली आपको पता चल गया सूरह फातिहा ये क्या, इसमें हमने क्या पढ़ा है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। सो आज हमने इसका लेक्चर रीड आउट किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका वर्क करेंगे हम। क्वेश्चन आंसर हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसकी, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इज़ द कॉलम। ओके क्लास,
सो नाउ रेडी, क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ गिवन है, इसके आंसर क्वेश्चन यहाँ गिवन है, आंसर यहाँ पे गिवन है, एंड देन फिर ये आपको बुक कॉपी में करना है काम दोनों जो जो मैं आपको करवाती जा रही हूँ। ओके सबसे पहले देख लीजिए वन क्वेश्चन नंबर, कुरान मजीद का खुलासा किस सूरत को कहा जाता है। कुरान मजीद का खुलासा हमने चैप्टर में पढ़ा था, कुरान मजीद यहाँ पे पूरे कुरान मजीद का खुलासा भी कहा, इस सूरत को पूरे कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है, किस सूरत को, सूरह फातिहा को। ओके क्लास हम लिखेंगे, हमने चैप्टर रीड आउट किया है, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन की आपको, तो आपको समझ आ रही होगी बात, कुरान मजीद का खुलासा सूरह फातिहा को कहा जाता है। ओके क्लास ये इसका आंसर है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, कुरान मजीद का खुलासा सूरह फातिहा को कहा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूरह कौन सी सूरत हर नमाज में पढ़ी जाती है, कौन सी सूरत पढ़ी जाती है। इधर देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ था हमने, इसको हम हर नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं, सही, तो कौन सी सूरत थी हमारी, सूरह फातिहा, क्या लिखेंगे, सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है। ओके क्लास यहाँ तक समझ आ गई बात, अब आ जाइए खाली जगह पे, क्वेश्चन नंबर वन हमारा हो गया, टू करते हैं खाली जगह, सूरह फातिहा कुरान मजीद की डैश सूरत है, सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है, यहाँ लिख देंगे हम पहली, सूरह फातिहा की डैश आयात हैं, इस सूरत की सात आयात हैं, क्या लिखेंगे हम, सात। ओके सूरह फातिहा में अल्लाह ताला के तमाम जहानों का डैश होने के बारे में बताया गया है, सूरह फातिहा में अल्लाह ताला के तमाम कौन सी सूरत हर नमाज में पढ़ी जाती है, कौन सी सूरत पढ़ी जाती है। इधर देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ था हमने, इसको हम हर नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं, सही, तो कौन सी सूरत थी हमारी, सूरह फातिहा, क्या लिखेंगे, सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है। ओके क्लास यहाँ तक समझ आ गई बात, अब आ जाइए खाली जगह पे, क्वेश्चन नंबर वन हमारा हो गया, टू करते हैं खाली जगह, सूरह फातिहा कुरान मजीद की डैश सूरत है, सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है, यहाँ लिख देंगे हम पहली, सूरह फातिहा की डैश आयात हैं, इस सूरत की सात आयात हैं, यहाँ लिखेंगे हम सात। ओके सूरह फातिहा में अल्लाह ताला के तमाम जहानों का डैश होने के बारे में बताया गया है, सूरह फातिहा में अल्लाह ताला के तमाम जहानों का डैश होने के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, क्या होने के बारे में, रब। ओके क्लास यहाँ तक बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन नंबर वन टू आपको कॉपी में करना है, एंड देन अब थ्री क्वेश्चन में आ जाइए, थ्री मैंने आपको दिया है होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर पे करना है। ओके क्लास यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, क्वेश्चन नंबर वन टू आपको कॉपी में करना है, ये भी कॉपी में करना है होमवर्क। ओके इसके क्वेश्चन आंसर आप यहाँ आंसर यहाँ से लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे।